सुबह उठा हूँ और चादर की दी मैंने और बड़ी सालों सर्दी है और हमने ऐसे लगाए दोबारा बारिश का मौसम बना हुआ है। सर्दी 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 आप तो आप बताए कि आप उठे हैं या नहीं उठे पीछे तो 4-12 बजे पीछे लेकिन बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप लोग आज मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मैं 7-6 बजे उठता हूँ तो आज मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। तो अभी आपको रूटीन बताऊँगा, तो अभी मैं नाश्ता करूँगा और सी भी नाश्ता करेगा और बाहर मौसम चेक कर लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर भी। तो आए मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ तो बाहर बहुत सख्त सर्दी है तो ये एक बड़ा अच्छा सुहाना सा मौसम है। रात को 1 o'clock या 12 o'clock बारिश होती है जिस टाइप हम सोए रहे थे। ये बाहर का व्यू है ऑसम। मैं जब किचन से बाहर निकला हूँ हमारे घर में इतने प्यारे प्यारे पौधे हैं कि हमें फ्रेश भी करते हैं। सबसे बड़ी बात ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और जब हमने इनको लगाया था ये नन्हे मुन्ने छोटे से थे और अब बड़े हो गए हैं और ये नीला आसमान अभी नहीं है क्योंकि बादल आए हुए हैं आप साइड को देख रहे हैं मगर ये इनकी हवा बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए दोस्तों ये मुईन उधर ऐसे करते हैं, इसने बस मुंह धोया है और नाश्ता किया है और टीथ ब्रश किए हैं, इसने ना कपड़े चेंज किए नीचे आ गए। अपनी सबसे पहले अपनी बकरियों को कहेगा जो इसकी जान है मगर अभी ये अपने दोस्त मित्तू से मुलाकात करे और अब जरा मित्तू को देखिए ये ऐसे बैठा है ये है कि जैसे ये अपनी मामा की गोद में लेटा हो। तो लो जी अब आ गई है बकरियों की श्यामत, अब उनका चाहे दिल हो या ना हो मगर उनको घास खानी पड़ेगी। अब इधर क्या हुए मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे दित्तू है ना मेरा फ्रेंड उसकी मैंने खोले, पापा ने उसको इतनी गंदी जगह से बांध दिया था उधर के कीचड़ था तो मैं उसको बचाने के लिए गया मगर मेरे सूरत हाल में मेरे जूते भी गंदे हो गए और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। अब मैं ऐसा करूँगा ऊपर जाकर नहाऊंगा और नहाने के बाद आपको अगली मुलाकात में मिलूंगा। और वो देखें बकरी तशरीफ ला रही है और उसके पास मुईज उसको फिरा रहा है। देखें मुईज इसको क्यों लेकर आ रहा है, इसका दिल भी नहीं है मगर ये बेचारी मजबूर है क्योंकि मुईज इसका कान खींच के लेकर आ रहे हैं। और देखें ये क्यों खड़ी है, कितनी बेबसी है, इसको कुछ टाइम करे मुईज। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि पट्टी काटना है देख सकते हैं वो आगे बच्चे हैं यहाँ अभी पट्टी काटे हैं लोगों ने अभी। अच्छा तो आपको दिखा देता लेकिन बहुत अच्छा है ये भैंस है। फ्रेंड्स आप हो गई है श्याम जो पीछे में गार्डन में हूँ और इसकी पीछे इतने प्यारे प्यारे सीन हैं और इसके प्यारे प्यारे पौधे मगर यहाँ पर एक पता नहीं अटक गया है जो कि ये है तो ये मुझे उतार देगा। तो ये ऐसे करते रहते हैं। अच्छा आज सुबह मैंने ये प्यारे प्यारे लेमन होते हैं इधर अच्छे अच्छे लेमन आप ले लेने में कोई फ़ायदा नहीं इसलिए हमारे घर में जो भी आए उसका ये हाल होता है। हम तो भूख वाली हरकते करते तो ये प्यारे प्यारे लेमन लगे हुए थे मैं आपको बता रहा हूँ वो प्यारे प्यारे लेमन इस पे जो कि एक किले में होते हैं प्यारे प्यारे परियों की तरह मगर यहाँ पर पीछे भी गार्डन है हमारा दोस्तों। ये ऑरेंज है तो ये सर्दियों में पकेगा ये हम खाएंगे और
मगर इसका अभी भी इस पे लेमन आते हैं, तो आप सोच देखिए लेमन अभी ऐसे ऐसे आते हैं, अगर हमारे घर लेमन हो लीमू पानी चाहिए होता है तो मामा यहाँ से तोड़ लेती है। आप ख़त्म हो चुके हैं क्या बात, थोड़ी थोड़ी हो ये देखें दोस्तों, ये हैं भी थोड़े थोड़े से, ये लोग ग्रो कर रहे हैं और ये खा सकते हैं क्योंकि बड़ा मज़ा ही होता है। ये जीवन छुप छुप के थोड़ा काट ही खाते हैं, और ये मैं अपनी बकरियाँ खिलाता हूँ क्योंकि हमारे पास सबक चला नहीं है, लेकिन आज आ चुका है, आज को नहीं दिखाया। और क्या मुझ मुझ मेरे जेन में कोई शैतानी आइडिया आ रहा है, क्या करते हैं इसको तोड़ एक शैतानी आइडिया आ रहा है जो फ्रेंड्स अब मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ रहा है, क्यों ना इसको हम तोड़े और चेक करें। नहीं तोड़ा क्या रहा, मेरे अंदर हिम्मत ख़त्म हो गई। ये तो फ्रेंड्स यह लीमू तोड़े आ मेरा खाने वह खट्टे लेमन बड़ा मजे का, मम्मा ऐसे बुलाती हैं ये देसी जो है ऐसे जूस पड़ा है ये बात। मसल्ली का भी देते हैं मसल्ली कुछ लोग, तो दोस्तों शाम के वक्त इसका मंजर ये होता है। तो दोस्तों अब शाम हो चुकी है, बड़ी देर शाम का वक्त हो गया है, अब बड़ी गर्म सर्दी है, बादल आ गया है और परिंदे भी अपने खाना में जा रहे हैं और अजान अजान वहाँ हो गई है, और आप देख रहे हो बड़े बड़े पौधे बने हैं, और अब उम्मीद है कि रात को बहुत झलम बारिश होगी या पतंग भी उड़ना बंद हो गए, तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, कल के लिए अल्लाह हाफिज़। अब आप अपने मामा पापा का ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई का ज़्यादा ध्यान